भाई मैं जैसा आपने बोला कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा था वहाँ पे, और फाइंडिंग रीडिंग्स की ज़रूरत नहीं है। विश्वास है मेरा बिहार की जनता पर कि अपने भविष्य के लिए जो निर्णय लेगी जनता बेहतर ही लेगी। जनता ने तो खैर 2020 में भी निर्णय लिया था, अब किसी के आशीर्वाद किसी की कृपा पर भले मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए हों, पर जनादेश तो उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं था। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। सर, हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी, बोछा में उपचुनाव हुए हैं, आज वोटिंग संपन्न हुई, हालांकि आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन आपकी फाइंडिंग और रीडिंग क्या कहती है, कौन जीत रहा है? भाई मैं जैसा आपने बोला कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ रहा था वहाँ पे, और फाइंडिंग रीडिंग्स की ज़रूरत नहीं है। विश्वास है मेरा बिहार की जनता पर कि अपने भविष्य के लिए जो निर्णय लेगी जनता बेहतर ही लेगी। जनता ने तो खैर 2020 में भी निर्णय लिया था, अब किसी के आशीर्वाद किसी की कृपा पर भले मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए हों, पर जनादेश तो उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं था। तो बहरहाल जो भी निर्णय बोचा विधानसभा के इस उपचुनाव का आएगा, बस उम्मीद ये करता हूँ कि वो जनता के हित का निर्णय हो। जो भी वहाँ से विधायक बने बचे हुए कार्यकाल के लिए, वो उस कार्यकाल में जनता की आवाज़ को उठाएं, जैसे वहाँ के पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान जी जिस तरीके से जनता के बीच रहते थे, जनता की बातों को करते थे, उम्मीद करता हूँ कि वैसे ही रहे। बीजेपी नहीं जीतेगी। भाई जैसा मैंने कहा, मैं 14 तारीख को हम लोग अम्बेडकर जयंती का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, और उसी कार्यक्रम में की तैयारी में व्यस्तता हमारी चल रही है। पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी हर साल 14 अप्रैल के इस कार्यक्रम को पूरी भव्यता से मनाते थे, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को। तो उन्हीं के कार्यों को आगे ले कर जाते हुए उसी तर्ज पर हम लोग तो पहले पटना के मिलर हाई स्कूल में हम लोग चाहते थे कि हम लोग ये कार्यक्रम करें, पर जिस तरीके से मतलब परमिशंस वगैरह में, खैर वो एक अलग राजनीतिक विषय है, पर परमिशंस में जिस तरीके से दिक्कतें आईं कठिनाइयां आईं, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि बापू सभागार में अब हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। पार्टी का स्थापना दिवस भी हम लोगों ने वहीं किया था, तो उतनी भव्यता से इस कार्यक्रम को किया जाएगा। पूरे प्रदेश से हर जिले से ना सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग, बल्कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी में आस्था रखने वाले हर जात पात धर्म मज़हब के लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, और इसमें हम लोग कुछ अहम फैसले हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग लेंगे। भाई हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को दूसरा माना जाता है, उनको मानने वाले लोग इस बात का विश्वास रखते हैं कि अम्बेडकर जी के बाद अगर सही मायनों में किसी ने उनके कार्यों को आगे लेकर गए हैं तो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ही हैं। तो इसीलिए उनको सम्मानित करने के लिए एक लंबे समय से राज्य सरकार से हम लोग की मांग रही कि भैया उनकी प्रतिमाएं बिहार में कम से कम लगाई जाएं, या हम लोग को जगह दी जाए उनकी प्रतिमा को लगाने का। पर अभी तक पिछले 1.5 साल से जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक उदासीन रवैया रहा है इस विषय को लेकर, ये दर्शाता है कि हमारे नेता को जीते जी तो खैर मुख्यमंत्री जी ने कभी सम्मान नहीं दिया, अब उनके नहीं रहने के बाद उनसे सम्मान की अपेक्षा रखना मुझे नहीं लगता उचित है। इसीलिए पार्टी ने ये फैसला लिया है कि हमारे नेता की पुण्य तिथि पर, सबसे पहले उनकी जयंती पर जो 5 जुलाई को है, उनके जन्म दिवस पर उनकी कार्यभूमि, उनकी कर्म भूमि जो रही है हाजीपुर, हमारे नेता को देश भर में हाजीपुर के नाम से जाना जाता है, हाजीपुर को देश भर में हमारे नेता के नाम से जाना जाता है, 2-2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाजीपुर की जनता की वजह से हमारे नेता का नाम दर्ज हुआ। तो उनकी कर्म भूमि पर हम लोग चाहते हैं कि उनके उनकी जयंती पर उनकी भव्य प्रतिमा लगाई जाए, जिसका संकल्प हम लोग 14 अप्रैल को हम लोग लेंगे, और साथ ही में उनकी पुण्यतिथि पर जो उनकी जन्मभूमि है शहर बन्नी, वहाँ पर हम लोग उनकी प्रतिमा, सबसे पहली उनकी प्रतिमा तो खैर मैंने 12 जनपद पर लगाई थी, उनके आवास पर जो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय का केंद्र बना हुआ था, मेरे नेता ने लंबे समय तक उस घर पर वो रहे, बट बहरहाल अब उनकी प्रतिमा वहाँ से हटा दी गई है। तो हम लोग 5 जुलाई को हाजीपुर में और 8 अक्टूबर को शहर बन्नी में प्रतिमा लगाएंगे, और साथ ही में संकल्प लेंगे कि आने वाले समय में पूरे बिहार के हर एक जिले में, 3800 जिले में उनकी यह प्रतिमा लगे, और देश भर के हर एक प्रदेश में उनकी यह प्रतिमा लगाने का हम लोग संकल्प लेंगे। चलिए, ये थे चिराग पासवान जिन्होंने बातचीत में हमसे कहा कि बोछा में वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें भरोसा है कि मजबूत दावेदारी जो है वो आरजेडी की है, और साथ ही इन्होंने डिमांड रखे हैं अम्बेडकर जयंती के मौके पर, चाहते हैं कि हाजीपुर को इनके पिता के नाम से जाना जाए। फिलहाल अभी तक इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ कनेक्शन।